हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस साथ में कुछ थ्योरी पढ़ी थी, तो आज के इस लेक्चर में भी हम डेटा इंटरप्रिटेशन के एक पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने जो डिस्कस करा था डेटा इंटरप्रिटेशन के जिस पार्ट में डिस्कस कर रहे थे, वो केवल हम परसेंटेज और एवरेज के क्वेश्चंस और उनके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। आज से हम एक नया टॉपिक यानी प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड जो डेटा इंटरप्रिटेशन आता है उसको पढ़ेंगे। तो इसमें जो डेटा इंटरप्रिटेशन के केवल आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, और डेटा इंटरप्रिटेशन के इस पार्ट में हम केवल जो प्रॉफिट लॉस की जो थ्योरी होती है वो देखेंगे। काफी लोगों को ये थ्योरी आती भी होगी, क्योंकि जनरली सभी स्टूडेंट जितने भी हैं सभी लोगों ने बैंकिंग का एग्जाम या फिर SSC का एग्जाम दिया होगा। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज के इस लेक्चर में केवल हम डेटा इंटरप्रिटेशन के जो प्रॉफिट लॉस का जो पार्ट है उसकी केवल थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इस एग्जाम इसके वीडियो में हम केवल जो उस थ्योरी में जो नोटेशंस होती हैं या फिर प्रॉफिट लॉस में जो फॉर्मूलेज होते हैं, कैसे कैसे ड्राइव होते हैं और कैसे कैसे हम उनको ध्यान में रख सकते हैं, जरा देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि, जिसमें आप हिंदी में कह सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कुछ टर्मोलॉजीज है, टर्मोलॉजी हम देख लेते हैं। इसके अंदर एक होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको जनरली कॉस्ट प्राइस को जनरली हम CP से डिनोट करते हैं, CP कॉस्ट प्राइस CP से डिनोट करते हैं। उसके बाद एक होता है सेलिंग प्राइस को हम SP से डिनोट करते हैं। तो ये कॉस्ट प्राइस वो होता है, इसे हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य, जिस पे आप लोगों ने कोई वस्तु, एक तरह से कोई दुकानदार अपनी वस्तु को खरीदता है, एक दुकानदार और एक तरह से सेलर, बायर और सेलर का हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। तो एक तरह से ये क्रय मूल्य होता है, ये विक्रय मूल्य होता है। सपोज करिए कोई दुकानदार है, अगर किसी वस्तु को खरीदेगा तो उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, और जब वो उसको बेचेगा तो वो उसके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो जो भी कोई आर्टिकल होता है या कोई वस्तु होती है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है। अगर किसी दुकानदार ने उस पे उसको ज्यादा रेट पे बेचा है तो उसको हमेशा क्या होगा, उसको हमेशा प्रॉफिट होगा। अगर कम रेट पे बेचा है तो उसको लॉस होगा। देखिए हमेशा, तो एक तरह से लॉस हमेशा दुकानदार को तभी होता है, लॉस यानी हानि तभी होती है जब उसका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है, और उसको प्रॉफिट होता है जब भी उसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है। बहुत सिंपल सी बात है, इसको हम जरा ध्यान दे लेते हैं। दो चीज होती है, कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होती है। अब कॉस्ट प्राइस हम इसको एक एनालॉजिकल वे में लेते हैं। सपोज करिए दुकानदार है, दुकानदार जिस रेट पे किसी चीज को खरीदेगा वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, और जिस रेट पे वो उसको बेचेगा किसी ग्राहक को वो उसके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर उसको कोई लॉस होता है, देन उसका CP यानी कॉस्ट प्राइस उसके सेलिंग प्राइस से ज्यादा रहा होगा तभी उसे लॉस होता है, और प्रॉफिट अगर होता है उसको तो उसका सेलिंग प्राइस यानी जिस रेट पे उसने बेचा है किसी ग्राहक को वो उसका ज्यादा रहा होगा कॉस्ट प्राइस से। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके ऊपर जनरली कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज, ये सभी होता है, इसको कैसे कैसे निकालते रहे देखें। तो इन चारों चीजों का आप ध्यान रखिएगा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लॉस एंड प्रॉफिट, क्या क्या होता है हम देखते हैं। ठीक है, चलिए अब सपोज करिए हमको लॉस का परसेंटेज निकालना है या फिर प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। तो जब लॉस का हमको परसेंटेज की टर्म में निकालना है, तो ध्यान रखिएगा लॉस और प्रॉफिट दोनों का दोनों हमेशा कॉस्ट प्राइस को होता है। प्लीज स्टूडेंट जरा ध्यान रखिएगा, जब आप लॉस का परसेंटेज निकालेंगे या फिर प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे तो आप जो कंपेरिजन करेंगे वो अपने कॉस्ट प्राइस से कंपेरिजन क्या करेंगे बताता हूं अभी आपको मैं। तो लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू CP माइनस SP डिवाइड बाय CP इनटू 100। तो ये लॉस का परसेंटेज आ जाएगा और प्रॉफिट का परसेंटेज आ जाएगा SP माइनस
CP डिवाइड बाय CP इनटू 100। ओके, बहुत इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है इसको। तो देखिए जरा, आप जरा इस प्लीज स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा कि लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट का जो परसेंटेज है, दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो कॉस्ट प्राइस है। यानी हम जो कंपैरिजन करते हैं लॉस को या प्रॉफिट को, जो कंपैरिजन करते हैं, वी ऑलवेज डू इट विद द यूजिंग कॉस्ट प्राइस ओनली। ओके, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पे हमारा हमेशा कंपैरिजन होता है। तो ये लॉस का परसेंटेज है, प्रॉफिट का परसेंटेज है, तो ये प्लीज इन फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट एक फॉर्मूले और है, कुछ उनको देख लें, इसको आप लिख लीजिएगा। वैसे तो ये आपकी बुक्स में काफी जगह दिया होगा। अब सपोज करिए हमको प्रॉफिट का या लॉस का परसेंटेज दे रखा है, साथ में हमको सेलिंग प्राइस का एक कॉस्ट दे रखा, सेलिंग प्राइस का रेट दे रखा है, तो हम कैसे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो हैं। अब पहले सिनेरियो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हमें प्रॉफिट का परसेंटेज या फिर लॉस का परसेंटेज गिवन है और साथ में हमको सेलिंग प्राइस गिवन है, हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट का परसेंटेज और लॉस का परसेंटेज गिवन है, सेलिंग प्राइस भी गिवन है और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब अगर सेलिंग प्राइस निकालना होता और कॉस्ट प्राइस गिवन होता तो वो सिनेरियो तो बहुत इजी है, बट इस सिनेरियो में क्या करेंगे जरा देखिए। अब अगर उसको सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकालना है और उसको प्रॉफिट हुआ है, तो उस केस में जो ये बनेगा सेलिंग प्राइस इनटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट का जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, तो एक तो ये बनेगा। अगर उसको लॉस हो रहा है तो उस केस, अब देखिए अगर उसको प्रॉफिट होगा तो जाहिर सी बात है 100 प्लस, सपोज करिए 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 100 प्लस 20 तो 120 हो जाएगा। तो ये जो टर्म आएगी, ये कॉस्ट प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस से कम आएगा, तो इतना हम इसको अजम कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर हमारा लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, ये लॉस परसेंटेज है और प्रॉफिट परसेंटेज है। ठीक है, अब जरा देखिए, हमको प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज दिया था। सपोज करिए, मैं भी एक आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट का परसेंटेज है, लॉस का परसेंटेज गिवन है, साथ में सेलिंग प्राइस का जो सेलिंग प्राइस दे रखा है, हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हमको कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, अगर सपोज करिए हमको प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस इनटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। अब ये जो वैल्यू होगी ना स्टूडेंट, ये हमेशा 100 से ज्यादा होगी, तो आपका जो सेलिंग प्राइस है यहां पर उससे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमेशा कम आएगी। तो आप यहां से इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं, अगर आपका सेलिंग प्राइस 100 है तो आपका कॉस्ट प्राइस 100 से कम ही आएगा। ठीक है, अगर हमें लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस इनटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। अब ये जो वैल्यू आएगी नीचे वो 100 से कम आएगी। अब जब 100 से कोई वैल्यू कम आएगी तो जब इसको ओवरऑल जब डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सेलिंग प्राइस की वैल्यू से ज्यादा आएगी। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू अगर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू से ज्यादा होती है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू अगर सेलिंग प्राइस से ज्यादा होती है तो हमेशा लॉस होता है, और अगर सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से तो ज्यादा होती है तो उस केस में उसको प्रॉफिट होता है। ये ऐसा आप अज्यूम कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं आपको और ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक नेक्स्ट एक एग्जांपल करके देखते हैं। सपोज करिए स्टूडेंट, प्रॉफिट हमें हो रहा है 20%, ये प्रॉफिट है हमें 20%, ये प्रॉफिट है, प्लीज इसको प्रॉफिट मान लेते हैं पी, और हमारा सेलिंग प्राइस है 720 रुपीज। 720 रुपीज। अब हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है और जाहिर सी बात है हमको प्रॉफिट हुआ है तो हम जो ऊपर वाला फॉर्मूला उसे यूज करेंगे, तो आप जब इसको लगाएंगे
तो 720 इनटू 100 डिवाइड बाय 100, प्रॉफिट का परसेंटेज का था स्टूडेंट 20, तो प्लस 20, तो ये हो जाएगा 720 इनटू 100 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 120, आप से डिवाइड करेंगे 5/6, देन इसको फर्दर आप इसको और डिवाइड करेंगे, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो 600 आएगा। तो उसी तरह से आप कुछ और भी निकाल सकते हैं, लॉस का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। हाँ, कभी कभार क्या होता है, स्टूडेंट को दिया होता है प्रॉफिट या लॉस का परसेंट 20 है और कॉस्ट सेलिंग प्राइस 720 है, तो उनसे पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या है, तो क्या करते हैं इसी का 20% निकालकर इसी के अंदर एड कर देते हैं और उस केस में वो गलत हो जाता है। तो स्टूडेंट जरा ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस का निकलता है, ना कि सेलिंग प्राइस का, ठीक है। अगर इतना आप ध्यान रखेंगे तो कभी क्वेश्चन में किसी भी तरह की आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो स्टूडेंट ये कुछ फॉर्मुलेस थे हमारे। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, मैं इसी वीडियो में बता देता हूं उसको, अदरवाइज उसके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो एक कॉन्सेप्ट होता है डिस्काउंट का, डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट होता है, हम उसको देख लेते हैं। एक टर्म होती है हमारी डिस्काउंट, तो डिस्काउंट तो हमेशा एमआरपी पे मिलता है, मार्क प्राइस पे मिलता है, जिसपे आपने देखा होगा जब आप किसी मॉल्स में जाते हैं या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो आप टी शर्ट देखते हैं तो टी शर्ट्स पे एक एमआरपी लिखा होता है, सपोज करिए 1000 लिखा है, तो आप 1000 के नीचे एक और लिखा रहता है कभी कभार जो सेल का वो रहता है, तो उसमें बैनर में लिखा था 25% सेल, 25% किसका, एमआरपी का, ठीक है। तो डिस्काउंट का मतलब होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है एक तरह से आपको जो सेल होती है, ठीक है। डिस्काउंट मतलब हिंदी में से बट्टा कहते हैं और डिस्काउंट का मतलब होता है एक तरह से अपॉर्चुनिटी, ठीक। तो डिस्काउंट के लिए निकालने के लिए आप, हाँ अब दो चीज इसमें, तीन चीज आती हैं, डिस्काउंट, एमआरपी यानी मार्क प्राइस, ठीक है। तो डिस्काउंट हमेशा, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है, जिसे हम एमआरपी भी कहते हैं, मार्क प्राइस पे किया जाता है, जो जो रेट लिखा होता है किसी आर्टिकल के ऊपर। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस होता है हमेशा एमआरपी माइनस डिस्काउंट, एमआरपी माइनस डिस्काउंट, ओके। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमआरपी माइनस डिस्काउंट। अब सपोज करिए आपको डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है, यानी एक एब्सोल्यूट में वैल्यू दी होगी, अब आपको डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है, तो डिस्काउंट का परसेंट कैसे निकालेंगे आप, अभी मैंने आपको बोला था कि डिस्काउंट किस पे दिया होता है, एमआरपी पे दिया होता है, तो कितना डिस्काउंट मिला है उसको आप लिखेंगे, डिवाइड करेंगे उसको एमआरपी से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए स्टूडेंट, ये डिस्काउंट और ये डिस्काउंट अलग है, ये एब्सोल्यूट टर्म में है और ये परसेंटेज टर्म है, यानी सपोज करिए आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट मिला, पर जब आपने उसको परसेंटेज में निकाला तो 20 रह गया, ओके। तो ये डिस्काउंट है वो अलग है और ये डिस्काउंट जो है वो अलग है। अब सपोज करिए हमें डिस्काउंट दे रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है और वहां से हमको एमआरपी निकालना, कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। तो प्लीज स्टूडेंट जरा इसको नोट कर लीजिएगा, तो उसके लिए हम एक और मैं यूज करता हूं आपके लिए। अब हमें एक डिफरेंट सिनेरियो हमारे पास कि हमको डिस्काउंट का परसेंटेज गिवन है और हमको सेलिंग प्राइस भी गिवन है, हमको क्या निकालना है, एमआरपी निकालना है,
एमआरपी हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? सेम वही सिनेरियो मैंने आपको बताया था, डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है? एमआरपी पे मिलता है। तो कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा एमआरपी इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट का जो परसेंट आपको दिया गया है। परसेंट ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यहां पे परसेंट को माइनस करना है। तो ये हो जाएगा एमआरपी, इसको ध्यान रखेंगे कैसे। अब एमआरपी की वैल्यू जब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा तो एमआरपी की वैल्यू हमेशा सेलिंग प्राइस से ज्यादा आएगी। तो नीचे जब देखेंगे तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो नीचे की जो वैल्यू आएगी हमेशा वो 100 से कम आएगी। तो जब ये इसको आप जब निकालेंगे डिवाइड बाय करके, तो ये हमेशा सेलिंग प्राइस से एमआरपी की वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी। तो एक फॉर्मूला आपका ये भी है, ठीक है। तो अब हमने स्टूडेंट बहुत सारी चीजें देख ली, हमने प्रॉफिट देखा, लॉस देखा, कॉस्ट प्राइस देखा, सेलिंग प्राइस देखा, डिस्काउंट भी देखा और एमआरपी भी देखा, ठीक है। अब उसको एक कैसे, उसको हम सिनेरियो को जरा ध्यान रखेंगे अपने दिमाग के अंदर, जरा उसको देखते हैं। तो इतना आप लिख लीजिएगा, एक एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, जरा उसको भी आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद आपको इसमें कुछ भी समझने की कोई जरूरत नहीं है, आपका इतना करने से आपके सारे क्वेश्चन जो हम करेंगे वो आराम से हो जाएंगे, ओके। तो देखिए, सबसे पहले अभी जो मैंने डिस्कस किया, मैंने डिस्कस किया था एमआरपी। तो एमआरपी पर हमेशा क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। एमआरपी पर हमेशा डिस्काउंट मिलता है। तो एमआरपी पे से डिस्काउंट को माइनस करके क्या मिल सकता है हमको? एमआरपी से डिस्काउंट करके माइनस करके मिलकर हमको सेलिंग प्राइस मिलता है। अब या तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, तो उससे हम कैसे सिनेरियो को देखेंगे? तो या तो प्रॉफिट होगा और या फिर लॉस होगा, तो यहां से हम कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे। कभी कभार हमें एमआरपी दिया होता है और एमआरपी से हमको कॉस्ट प्राइस निकालना होता है, तो उस केस में हम इन डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो को केस को करते हुए जाएंगे। यानी पहले एमआरपी में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे, वहां से हम चाहे तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम चाहे तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो ये सिनेरियो है आपके सामने, एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस होता है, देन यहाँ पे हमको सेलिंग प्राइस मिलता है, सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट या लॉस होता है तो हमको यहाँ से कॉस्ट प्राइस मिलता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, केवल प्रॉफिट लॉस की थ्योरी को देखा था। हाँ, ये थ्योरी हो सकता है आपको आती होगी पहले से, बट अब डीआई के लिए हमें ज्यादा डीपली प्रॉफिट लॉस को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितने हम लोगों ने अभी फॉर्मूलेस देखे हैं इनको याद भी नहीं करने की जरूरत है। आप एक बार इसको एक बार करेंगे, मेरे लेक्चर को देखेंगे, तो उससे आपको खुद ड्राइव करना अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने केवल प्रॉफिट लॉस की थ्योरी देखी, नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉफिट लॉस के डीआई और साथ में कुछ और डिफिकल्ट डीआई को हम देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपके पास कोई सजेशन है हमारे लिए या फिर कोई क्वेश्चन है आपसे जो नहीं हो रहा है, तो आप मेरे ईमेल आईडी sandeep2006@gmail.com पे मुझे लिख सकते हैं। वैसे तो मैं लिख देता हूं, तो मेरा ईमेल आईडी है sandeep2006@gmail.com, ओके। नहीं तो मैं अपने जो YouTube का जो हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा मैं उसमें लिख दूंगा, ओके स्टूडेंट।